बैटल कैजुअल्टी बोलते हैं जो देश के लिए गोली खाता है उसको। मेरा नाम नागेश शर्मा है, मेरी एज 35 ईयर है, मैं राजस्थान के करौली ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे हैं दो, बड़े का नाम चेतन कुमार शर्मा है, छोटे का नाम नकुल कुमार शर्मा है। जंड के जम्मू कश्मीर में मेरी पोस्टिंग आई, वहाँ पर उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए मेरे दाहिने कंधे में गोली लग गई, फिर हॉस्पिटल में रहा 3-4 महीने। मेरी यूनिट फील्ड में चली गई, तो हमारे जो मेडिकल साइड से अनफिट होता है उसको फील्ड लागू नहीं होता दोबारा। मतलब 2016-17 में मैंने कोपा कोर्स किया, फिर मैं यहाँ पर आया तो यहाँ आने पर सबसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमको यहाँ आने पर ऐसा ट्रीट किया कि हम यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आए बल्कि हम एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आए। '98-'99 में भर्ती हो गया था आर्मी में, इंडियन आर्मी राजपूत रेजिमेंट सेंटर। हमारा सेंटर था फतेहगढ़। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो आर्मी एक्टिविटी के दौरान ही हुआ। उसी इंसिडेंट में मेरा सर्वाइकल इंजरी हो गई थी, ये मेरी जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है टूट गई थी। उसके बाद वहाँ से मेरे को ऑपरेशन सर्जरी के लिए दिल्ली RR हॉस्पिटल भेजा गया और सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मतलब मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था, एक जैसे एक जिंदा डेड बॉडी हम बोल सकते हैं इसी तरीके से, ना ब्लेडर कंट्रोल है ना कोई बॉडी का मूवमेंट है, तो ये तो बोझ बन के जीने वाला हो गया ना कि हम किसी के ऊपर बोझ बने। तो फिर नेक्स्ट दिन आया था मेरा एक और डॉक्टर जिन्होंने न्यूरोसर्जन थे, तो उससे पहले उनकी मेरी बात हुई थी, मैं उनको यही बोला मैंने सर फिर ये ड्रिप वगैरह क्यों चढ़ा रहे हो जब होना कुछ ही नहीं है, तो मेरे को आप ज़िंदगी जीने के वो इंजेक्शन मत दो, मुझे डेथ का इंजेक्शन चाहिए क्योंकि ऐसी ज़िंदगी में जीना नहीं चाहता। अंदर से जो होता है ना मोटिवेशन और डीमोटिवेशन, सबसे बड़ा फैक्टर तो उसी का ही पड़ता है। तो फिर मेरे को मोटिवेशन आया कहाँ, जब QMTM में कोर्स करने के लिए आया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ तो मेरे से भी ज़्यादा, मेरे तो हाथ पैर तो ठीक ठाक है, मतलब अभी काम नहीं कर रहे, हो सकता फ्यूचर में काम करें, लेकिन जब ऐसे लोग फाइट करें तो मैं भी कर सकता हूँ। जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हुआ, और जब एटीट्यूड चेंज होता आदमी का तो डेवलपमेंट धीरे धीरे होता ही है। जब मैं QMTI में आया था तो QMTI में व्हीलचेयर पे था, और ये DISM कोर्स के दौरान ही मैंने अगले 3-4 महीने में व्हीलचेयर छोड़ दी थी। आज मैं चल लेता हूँ, अपना काम सेल्फ कर लेता हूँ, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हूँ कि अब फ्यूचर में कर सकते हैं। ग्रैंडपा पहले आर्मी में थे, उसके बाद में फादर थे, तो एक इंस्पिरेशन भी थी कि इंटरेस्ट भी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्मी जो है मतलब कि अपने मेहनत से सारा कुछ करते हैं, और बॉर्डर पे वो जो एक अमेजिंग सा होता है ना कि खुद को भी लगता है कि यार कुछ करना है, मेरे को भी वो सारा फेस करना है। December 2014 तो फोग बहुत रहता है पंजाब में, जितनी ठंड पड़ती है गर्मी भी उतनी, तो वहाँ पर ठंड भी बहुत थी तो फोग बहुत ज़्यादा था। तो तब उसके दौरान में दूसरी गाड़ी जो सामने वाली थी ओवरटेक कर रही थी दूसरी गाड़ी को, तो उसके दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं QMTI में आया, और वहाँ पे आकर के मैंने खुद को रिकवर किया, और मतलब जब फौज में था तो एक जज्बा भी होता है ना कि किसी चीज़ से ज़्यादा डरना नहीं है, तो एक वो भी था। और मेरे को एक है भी कि चाहे मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं बहुत से लोगों से आज भी बेटर हूँ। सीखने का था कि कुछ चल देखते तो हैं, क्योंकि हमने तो जब से आर्मी भर्ती हुए तो सिविल में तो इंटरव्यू देने का या मतलब ऐसा कुछ चांस नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे भी एक वो इंटरव्यू फेस करने के लिए आया था। बस उसी के दौरान में सर ने सेलेक्ट कर लिया और मेरे को अच्छा लगा, तो अभी ज्वाइन किया। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर इंडियन आर्मी में पहले सर्विस कर चुके हैं, और आई एम द 3rd generation इन इंडियन आर्मी। मुझे ये गॉड गिफ्ट था कि जो मुझे जन्म से मिला था, कि मेरी बास्केटबॉल और हॉकी बहुत अच्छी थी, मैं नेशनल प्लेयर था बास्केटबॉल हॉकी और एथलेटिक्स का। 2005 में जब मैंने ज्वाइन की इंडियन आर्मी तो मुझे बड़ी होप्स थी कि मैं अच्छा करूँगा इंडियन आर्मी में। चोट लग गई थी जिससे मेरा नी ट्विस्ट हो गया था, चीख रहा था मैं कि बहुत बुरी हालत थी। तो जब चोट लगी तो मेरी लाइफ में वो क्राइसिस पीरियड था, ये जो चोट थी ये रिकवर होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो जो लिगामेंट टूटा था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर ने,
जब मेरे चोट लगी तो मेरी जो वाइफ है वो बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब एक पार्ट रही है मेरी लाइफ में। जो फैमिली होती है वो एक बैकबोन की तरह काम करती है। अभी मैं कोर्टयार्ड मैरियट में फ्रंट ऑफिस के लिए सिलेक्शन हुई है मेरी, तो आई होप कि मैं अच्छा करूँगा इसमें। I'm extremely thankful to Team Phenomenal for being so welcoming and so inclusive. You know, we are blessed that as every day goes by, we're becoming bigger, we're becoming more diverse, and becoming more stronger. So thank you, Team Phenomenal,